फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बीटा रोम या स्टेबल रोम में क्या क्या डिफरेंसेस है और आपके लिए कौन सा रोम सही है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको जरूर से पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा रोम सही है, बीटा रोम या फिर स्टेबल रोम। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक लाइक जरूर कर देना हमारी इस वीडियो को और हमारा जो चैनल है उसको जरूर से सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ताकि हम वीडियो अपलोड करते ही आपको तुरंत मिल जाए। बीटा रोम स्टेबल रोम के बारे में बात करने से पहले तो मैं आपको इन शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि बग्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बग्स होता है कि कंपनी हमको जो यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है तो उस प्रोवाइड सॉफ्टवेयर में काफी सारे इशूज आ जाते हैं, काफी सारे प्रॉब्लम दिखा देते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम इन शॉर्ट में बग्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं स्टेबल रोम की बात करूँ तो स्टेबल रोम में फ्रेंड्स हमको बग्स ना के बराबर देखने को मिलता है। शाओमी इसको बनाने में बहुत ही टाइम लगाता है क्योंकि हमको 2 महीने के एक बार में जो स्टेबल रोम का अपडेट है वो मिलता है। और फ्रेंड्स, इस अपडेट में हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है, मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, इसमें कोई भी ऐसा बड़ा कोई इश्यूज नहीं होता है और फोन बहुत अच्छी तरीके से चलता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बीटा रोम की बात करें तो बीटा रोम फ्रेंड्स हर हफ्ते अपडेट मिलता है, वीकली अपडेट होता ही है और हर हफ्ते फ्राइडे को ही हमको अपडेट मिल जाता है। और बीटा रोम की बात करें तो अपडेट में हमको बहुत अच्छे अच्छे नए नए फीचर्स मिलते हैं जो शाओमी इंक्लूड करता है अपने यूजर्स के लिए। जो वो 2 महीने के बाद जो स्टेबल रोम में देते हैं वो हमको पहले ही 2 महीने 3 महीने से पहले ही मिल जाता है हमारे बीटा अपडेट में, और उसके साथ मिल जाते हैं बहुत ही बड़ा बड़ा बग्स, बहुत ही प्रॉब्लम परेशानियाँ झेलनी पड़ती है बीटा रोम यूजर्स को। और कई समय कैमरा काम नहीं करता, बैटरी का इशू आ जाता है, हर वक्त नया प्रॉब्लम चलता ही रहता है। बीटा रोम में आपको बहुत ही बग्स देखने को मिल सकता है। और फिलहाल जो बात है, बीटा रोम अगर आप यूज़ करते हो तो आपके पास एक पीसी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर बीटा रोम यूज़ करने के वक्त आपका फ़ोन क्रैश भी हो सकता है। अगर आप बीटा रोम को यूज़ करते हो तो उस समय आपको MI फ्लैश टूल के सहारे आपको फ़ोन को फिर से अपना फ्लैश करना पड़ेगा या फिर आपको सर्विस सेंटर में लेके जाना पड़ेगा, और सर्विस सेंटर में लेके जाने के बाद आपको फिर से वो स्टेबल रोम दे देगा और आपको फिर आके बीटा रोम में फ्लैश करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, स्टेबल रोम में हमको महीने में 2 बार अपडेट करने को मिलता है लेकिन बीटा रोम में हमको हर वीक अपडेट करना पड़ता है क्योंकि जो अपडेट आते हैं उनमें जो पुराना बग्स था वही क्लियर होकर आता है और हमको अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अपडेट नहीं करते तो हमारा जो फ़ोन का बग्स है वो तो कभी क्लियर नहीं होगा। तो अपडेट बीटा रोम में मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा। और एक बार मैं बता दूँ, मेरे जो काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो भी मुझे पूछ रहे थे कि बीटा रोम अगर हम यूज़ करते तो हमको क्या बीटा टेस्टर क्या लेंगे। तो मैं आपको फ्रेंड्स, आपका जो डाउट है वो आपको पूरी इसकी पूरी क्लियर कर देता हूँ। शाओमी जिन जिन को बीटा टेस्टर बनाता है वही से बीटा टेस्टर कहलाएंगे। अगर हम बीटा रोम को डाउनलोड करके अपने फोन में फ्लैश करते तो सिर्फ हमको बीटा रोम यूज़र कहलाएंगे, नॉट बीटा टेस्टर। तो फिर स्टेबल रोम में हमको बहुत ही कम अपडेट मिलने की वजह से हमारा जो अपडेट है बहुत बड़ी बड़ी अपडेट आती है, 1 GB के ऊपर का अपडेट आ जाती है, लेकिन जो बीटा रोम में हमको हर वीक अपडेट के मिलने की वजह से हमको बहुत ही कम साइज़ का अपडेट मिलता है। यानी कि फ्रेंड्स, 200 MB, 300 MB, 400 MB के ऊपर कभी नहीं जाता। फिर हाल ही कभी कभी 500-600 MB आ जाता है लेकिन उनके ऊपर नहीं जाता है। फिर द्वारा हमको ये अपडेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड, लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आप स्टेबल रोम यूज़ करते तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल जाता है, तो आप इसको इस रोम को बहुत ही स्मूथ तरीके से यूज़ कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अगर मैं आपको बीटा रोम की बात करूँ तो बीटा रोम में आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप नए नए फीचर्स के भूखे हैं, अगर आपको नए नए फीचर्स पसंद है नए नए अपडेट के थ्रू, तो आप बीटा रोम को ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर बहुत बग्स भी आपको मिल जाते हैं अगर आपको इससे कोई परेशानी नहीं हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्योंकि काफ़ी सारे जो नए यूज़र्स हैं उनको भी पता चले कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। और आप सही से, मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर आप ये डिसीजन ले पाएंगे आपके लिए कौन सा रोम सही है, बीटा रोम या फिर स्टेबल रोम। तो फ्रेंड्स, इसी बात पर वीडियो को खत्म।